जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे उन लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाया गया कि मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैं आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से आज पहली बार और पहला ही सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर उन लोगों को आपने ये बोला था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा तो 4-5 दिन पहले जम्मू में एनसी के दफ्तर में क्या कर रहे थे? जिला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हाल ही में रसौली विधानसभा से विधायक ठाकुर दर्शन जी, इनके साथ पूर्व में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पूर्व में ही विधायक श्री जीवनलाल जी, बनी की आन पान और शान गौतम चंद गोस्वामी जी, पूर्व में इलेक्शन इंचार्ज और अभी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनियर, तकरीबन सारी बातें हो गई है, दो तीन बातें ही बोलूंगा। जिस तरीके से बनी में इलेक्शन हुआ जात पात और मजहब के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया गया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे उन लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाया गया कि मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि 4 महीने के बाद उस नायब विधायक से सवाल पूछेंगे, 6 महीने के बाद सवाल पूछेंगे, मगर मैं आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच से आज पहली बार और पहला ही सवाल पूछने जा रहा हूं, अगर उन लोगों को आपने ये बोला था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा तो 4-5 दिन पहले जम्मू में एनसी के दफ्तर में क्या कर रहे थे? बोलते हैं मैंने पहाड़ से सपोर्ट किया, जम्मू में एनसी के दफ्तर में कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट मीटिंग तो नहीं थी, गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं थी, मैं तो कहता हूं उसने एनसी का पटका पहन लिया है और जो लोगों हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया है, मुझे तो लगता है, मैं बोलता हूँ लोग तो 6 महीने के बाद ये बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद लोग आज से ही उससे नाराज है, क्योंकि बेवकूफ बनाया गया जान जाते था भारतीय जनता पार्टी कहीं हमारे मराठी साथियों के साथ जाता था तो मैं इनसे ज्वाइन करूंगा। हमारे देवी देवताओं की झूठी कसमें खाई, आप लोगों को पता ही है झूठी कसमें खाई वो क्या लोगों का भला करेगा, पार्टी स्टेटस लोगों को चला चला के बोला जाता था कि हम पार्टी स्टेटस देंगे, मुझे लगता है अभी तो पार्टी स्टेटस की बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो उनको सिर्फ एमसी की गोदी में जाके बैठ कर अपने लोगों का सौदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बनी में 2008 में पहली बार यहां से विधायक जीते थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने 16,500 वोट ली है मात्र कम वोटों से, और वो हम अपनी ही कमी समझते हैं कि हम लोगों का विश्वास जीतने में नाकामयाब रहे, मगर आने वाली इलेक्शन में हम जोर शोर से इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और जिन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया उनका भी बातें सुनेंगे, उनके काम को करवाएंगे, मगर जिन्होंने नहीं भी दिए या उनकी झूठी बातों में भी आए उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। और मैं माननीय बधाई से बसोली से भी और बनी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे बोलने वाले लोग हैं कुछ 4-5 या 7-10 लोगों ने ऐसे प्रोपेगंडे किए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग गुमराह हो गए, नहीं तो ऐसे हमारे देशभक्त लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े
टैकल करने में नाकाम जा रहे हैं, मगर आगे हम जोर शोर से उठाएंगे और उनकी तरह हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आगे भी रहेंगे और आने वाले जब तक लाइव है तब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं जाएंगे। ज्यादा लोगों को बोलना है तो इसलिए मैं अपनी वाणी को गर्म देता हूँ।